नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे बिहार जो है विधानसभा या बिहार की राजनीति के संदर्भ में कि आखिर बिहार की सियासी पार्टियों की वहां क्या भूमिका होगी, और कई बार ये जो है कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव राजद क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि वाम दलों का ऑफर भी था कि अगर तेजस्वी यादव उनका समर्थन करते हैं तो वाम दल भाकपा माले जो है अपना सिटिंग सीट भी छोड़ सकती है। कांग्रेस भी इस बात में दिलचस्पी रख रहा था कि अगर तेजस्वी यादव वहां आते हैं तो जो है कांग्रेस राजद को वहां अपना समर्थन देगी, लेकिन तेजस्वी यादव शुरुआती दौर में ही अपना इरादा स्पष्ट कर चुके थे कि वहां वो ममता बनर्जी को समर्थन देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो भाजपा को रोकेगी, क्योंकि बीजेपी को रोकना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि धार्मिक कट्टरवाद फैले। ये राजद का शुरुआती दौर से ही जो है स्टैंड रहा है। अब जब ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव साथ आ गए हैं तो अब जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियां और आएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी लोग कम से कम 1.5 करोड़ की संख्या में है। कुल आबादी आपको पता होगा 10 करोड़ है, उसमें 72 लाख हिंदी भाषी वोटर्स हैं, और उन हिंदी भाषी वोटर्स पर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं, और अगर वो वोट जो है ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। लेकिन एक तरफ जेडीयू और बीजेपी बिहार में तो गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार कमर कस लिया है कि वो 70 से 75 सीटों पर वहां चुनाव लड़ेंगे। गुलाम रसूल बलियावी को चुनाव प्रभारी बनाकर भेज दिया गया महीनों पहले, वो वहां पर सियासी जमीन ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक पहले से है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अगर साथ खड़े होते हैं तो उनको कुछ जातीय समीकरण का भी फायदा मिलने वाला है, और बीजेपी के खिलाफ अगर जेडीयू वहां उतरती है तो इसका सीधा सीधे नुकसान जो है वो स्पष्ट तौर पे बीजेपी को होगा, क्योंकि ममता बनर्जी का अपना एक वेस वोट बैंक है। और जहां तक बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो हम आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां ममता बनर्जी की टीएमसी को 294 सीटों वाले विधानसभा में 211 सीट प्राप्त हुआ, वहीं बीजेपी को मात्र 3 सीटें प्राप्त हुई थी। यह अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% मत प्राप्त हुए और 42 में से 18 लोकसभा सीटें उसके खाते में गई, जबकि तृणमूल कांग्रेस को जो है 22 सीटें आई थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल जो है काफी बढ़ गया था कि जो है वहां पर बीजेपी अपना पताका जो है गाड़ सकती है। लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर दें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता है। कई राज्य के ऐसे उदाहरण हैं जहां पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि डेटा यही कहता है कि लोकसभा चुनाव में जितना बीजेपी को मत मिलता है, अगर विधानसभा चुनाव हो तो सीधे वो 10 से 15% डाउन हो जाता है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा दिल्ली में बीजेपी के हारने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, वहां खुद अरविंद केजरीवाल थे। आप बिहार की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव एक चेहरा थे, और तो कहीं ना कहीं यहां पे बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ा, और एनडीए की सरकार इसलिए बनी क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार थे। तो इसलिए यहां भी आप बिहार में देख सकते हैं विपक्ष का भी मजबूत भूमिका में। आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए और तमाम राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर भी विपक्ष में कोई नेता है और बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जहां प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होता है, और अगर उस राज्य में विरोधी खेमे में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है तो वहां बीजेपी के लिए जीतना काफी मुश्किल हो जाता है विधानसभा चुनाव में। और इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो अपना किला फतह करने जा रहे हैं, हालांकि तैयारियां पूरे जोरों पर है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू ने गुलाम रसूल बलियावी को वहां भेजा है, और अगर वोटों का बंटवारा होता है तो सीधा से नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। और तमाम बयानों से स्पष्ट है कि हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ बिहार में गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार भी बदला लेने की फिराक में है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो तैयारियां होंगी उसका सीधा सीधे नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय करने की भी बात चल रही है। अगर पश्चिम बंगाल में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो इनकी जाति का जो वोट है वो तो इनको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं बीजेपी को होगा, और जो अब तल्खियां हैं वो सामने आनी शुरू हो सकती हैं। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।